एनएसयूआई की चंबा इकाई की कार्यकारिणी का गठन आज सर्व समिति के साथ किया गया। इस दौरान एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष ओम ठाकुर ने नवगठित कार्यकारिणी बारे जानकारी दी। वहीं उन्होंने एनएसयूआई द्वारा चंबा कॉलेज में किए गए कार्यों बारे बताया। उन्होंने कहा कि जिला में अन्य कॉलेजों में संगठन के साथ युवाओं को जोड़ा जाएगा और छात्र हित में कार्य किए जाएंगे। मैं ओम ठाकुर, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष चंबा। आज एनएसयूआई इकाई चंबा द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसका एक मुख्य मुद्दा ये था, उद्देश्य था कि जो चंबा महाविद्यालय में जो हमारी कार्यकारिणी है उसको दोबारा से बनाना। तो इसमें हमने सर्व सहमति से जो हमारी कार्यकारिणी है इस तरीके से है, बॉयज़ में अध्यक्ष है मुकेश शर्मा जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, उपाध्यक्ष है कर्ण और पंकज, महासचिव में रंजीत सिंह लतीफ खान, सचिव में सन्नी आशीष, मीडिया प्रभारी में कार्तिक शर्मा, निंदू अक्षय। ये हमारी लड़कों की टीम है और लड़कियों की जो टीम है खुशबू है उसमें अध्यक्ष हमारे साथ बैठी है, कुसुम अंजलि ये उपाध्यक्ष हैं, मीनाक्षी और अर्चना महासचिव, नेहा और हेमलता सचिव, हिमानी और पायल और अर्पना मीडिया प्रभारी। इस तरीके से हमारी जो ये कार्यकारिणी रही है ये सर्व सहमति से बनी है, इसमें कोई वोट हमने नहीं डाले कि संगठन के जो डालते हैं कि किसी के वोट हो उस तरीके से बना दी, नहीं, सर्व सहमति से बनी है। और आने वाले समय में जो हमारी ये टीम है महाविद्यालय चंबा में लगातार सक्रिय रहेगी, छात्र हित के लिए कार्य करेगी। तो मैं बता दूं आपको, पहले भी मैंने बताया था कि जो हमारा मेन कार्य रहेगा एमए समाजशास्त्र सोशियोलॉजी जिस पे हम कार्य करेंगे। चंबा महाविद्यालय में 5 एमए हैं जो एनएसयूआई के टाइम जब चुनाव होते थे छात्र संघ चुनाव उस टाइम जो एनएसयूआई ने ही वो कार्य किया है। एनएसयूआई की वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, पीजीडीसीए बीबीए बीसीए सब एनएसयूआई की देन है। अगर मैं बात करूं चंबा महाविद्यालय की 2012 अप्रैल 2016 की बात है जब वन मंत्री यहाँ पे आए थे एनुअल फंक्शन में, तो एनएसयूआई ने जो मांग रखी थी कि 4 दीवारी नहीं थी हमारे कॉलेज में, ये पहली मांग थी, वो पूरी कर दी भरमौरी साहब ने। दूसरी मांग ये रही कि जो हमारा रेन शेड बना हुआ है गेट के पास, बारिश में बच्चों को बहुत सी दिक्कतें आती थी, खड़े रहते थे बस का इंतज़ार करते थे, तो हमने वो मांग रखी मंत्री साहब से, वो भी पूरी हो गई, रेन शेड बना के दिया। एमपी हॉल में हमारा स्टेज नहीं बना था, तो जब हमारा कोई भी कार्यक्रम होता था तो ऐसे ही स्टेज नहीं था और जैसे समतल था, बच्चे देखते थे कुछ एक को नहीं दिखता था। तो वहाँ पे एक ये मुख्य मांग हमारी थी कि स्टेज को थोड़ा ऊंचा करके स्टेज बनाया जाए, एक बहुत बड़ा हॉल है एमपी हॉल हमारा वहाँ पे। तो भरमौरी साहब ने उसके लिए भी 1,00,000 रुपया उसी टाइम दिया, तो उसमें वो बना है, आज एक बहुत अच्छा स्टेज बना के दिया है। और एक अन्य मांग जो हमारी रही थी वो एक सरकारी बस की जो छात्रों को दिक्कत आ रही थी, चंबा से लेके साओ कीड़ी लग्गा के लिए सरकारी बस जाती है 4:20 पे, वो मांग थी हमारी, क्योंकि किराया बहुत था और जब अब बच्चे जाते हैं तो 300 में उनका एक महीने का आना जाना हो जाता है सरकारी बस में, तो किराया तो कहाँ जा पहुँचा भी, वो तो आप सभी जानते हैं 325 या कुछ ऐसे लगते हैं जिसमें वो पूरा एक महीना सफ़र करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी छात्र हित में हमारी एनएसयूआई की। तो उसके अलावा मैं अपने जो भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छे तरीके से कार्य करेंगे छात्र हित में। महाविद्यालय में कोई भी छोटा मोटा अगर किसी का कार्य है, वो प्रधानाचार्य का हो किसी कैलरिकल स्टाफ का हो, तो मैं इनसे ये भी उम्मीद करता हूँ कि ये वो उस जिम्मेवारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। और साथ ही मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जो सेकेंड ईयर के हैं, जो सेकेंड ईयर में अभी पढ़ रहे हैं महाविद्यालय चंबा के छात्र, उनके लिए बताना चाहता हूँ, उनके लिए कोरोना काल में हम फ्रेशर पार्टी का आयोजन नहीं कर पाए और अब जो प्रथम वर्ष के छात्र हैं उनके लिए फ्रेशर पार्टी का आयोजन करेंगे। जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं
उनको हम पिकनिक पे लेके जाएंगे खजियार। ये मैं सेकंड ईयर के छात्रों से वादा करता हूँ कि आने वाले समय में मैं आपको जो आपकी फ्रेशर पार्टी हम नहीं दे पाए कोरोना काल में, हम आपको पिकनिक पे घुमाने के लिए खजियार ले जाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ये अभियान हमारा पिछले कल ही शुरू हुआ है, तो पिछले कल 50-60 फॉर्म जो है वो मेंबरशिप की हो गई है हमारी। तो आज मीटिंग की वजह से जो भी थोड़ी बहुत हमने अभी की है वो ही है। उसके बाद जैसे कॉलेज में अब जाएंगे हम कॉलेज में, तो वो निरंतर कार्य हमारा जारी रहेगा। और आने वाले समय में मैंने आपको बताया 2650 का टारगेट लेके मैं चला हूँ। महाविद्यालय चंबा में 4000 स्ट्रेंथ है, उसमें 2650 में जोड़ूंगा और आगे भी प्रयास करूंगा कि और छात्र हमारे साथ जुड़े। उसके बाद विभिन्न कॉलेजों में जाऊंगा, भरमौर, तीसा हो गया, सलोनी, तेलका, सिंथा, चुआड़ी, विभिन्न कॉलेज लीलकोठी में है, तो हर जगह जाएंगे हम। पांगी में जाएंगे, अगर संभव हुआ तो पांगी में अभी जाके मेंबरशिप करेंगे जी।